अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ सिनेमन ट्विस्ट स्टार ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही फ्लफी और मॉइस्ट बनती है। इसके अंदर की फिलिंग जो है वो मैं सिनेमन पाउडर और ब्राउन शुगर के साथ करूँगी और ऊपर से इसको स्टार शेप दूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे आइडियाज और रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर रेसिपीज आपसे मिस ना हो सकें। यहाँ पे मैं सबसे पहले डो बना लूँगी। डो बनाने के लिए मैंने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, वॉम मिल्क, 1 कप ऑफ वाटर, शुगर, सॉल्ट, ईस्ट एंड बटर। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने बटर के अंदर 1 टेबल स्पून बटर डाल लिया और उसको मिक्स करने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने वॉम मिल्क लिया रूम टेम्परेचर पे और उसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट, सॉल्ट, शुगर डाल दिया और उसको अच्छे तरीके से मैं मिक्सअप कर लूँगी। इसी मिल्क के अंदर मैंने 1/2 कप वाटर भी ऐड कर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये दूध कितना पतला है। ये इसी वजह से पतला है क्योंकि मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी भी डाल दिया हुआ है। अब मैं इन तमाम तरह इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे तरीके से नीट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट नीट करने के बाद आपकी डो जितनी अच्छी और सॉफ्ट होगी आपकी ब्रेड भी उतनी ही फ्लफी और मॉइस्ट बनेगी। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। मैंने इसको ग्रीस नहीं किया, मैंने इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लगाया और अब मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी जब तक मेरी डो जो है वो अपने साइज से डबल नहीं हो जाती। यहाँ पे अब मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। मैंने लाइट ब्राउन शुगर लिया और उसके अंदर मैं सिनेमन पाउडर डाल दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 1 1/2 कप ब्राउन शुगर लिया और उसके अंदर 2 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर डाला है। आफ्टर 1 आवर आप देख सकते हैं मेरी डो जो है वो अपने साइज से डबल हो चुकी है। इसको जितना अच्छा आप ग्रीस करेंगे, बटर का और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। ये आप देख सकते हैं मेरी डो कितनी अच्छी राइज हो चुकी है। अब मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इक्वली। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इन तमाम तर 4 पार्ट्स का बॉल बना लूँगी अच्छे से। अब देख सकते हैं मैंने इनको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया। अब मैं इनके बॉल्स बना रही हूँ। इनको बॉल्स बनाते वक्त आप अगर अपने हाथों से अच्छे तरीके से नीट भी कर लेंगे तो ये तब भी अच्छी रहेंगी। आपकी डो जितनी अच्छी बनेगी आपकी ब्रेड उतनी ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगी। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं ये रोलर की मदद से इसको फ्लैट ब्रेड बना लूँगी। ये तकरीबन 10 इंच का या आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी थिकनेस और लंबाई रख सकते हैं। यह मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर बेकिंग पेपर लगा लिया। इसके ऊपर सबसे पहले मैं सॉल्टेड बटर अब लगा दूँगी सारा। आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। अब मैंने जो ब्राउन शुगर सिनेमन का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके ऊपर सारा स्प्रिंकल कर दूंगी इक्वली। आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इक्वल करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट लेयर बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर रख दूंगी। सेकेंड लेयर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही मैं बनाऊंगी। फर्स्ट इसको बेलने के बाद इसके ऊपर बटर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सारी जो हमने फिलिंग बनाई थी वो स्प्रिंकल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं। अब मैं थर्ड लेयर भी इसी तरीके से बनाऊंगी। फर्स्ट उसके ऊपर बटर लगाऊंगी और फिर उसके ऊपर सिनेमन फिलिंग डाल दूंगी। इसकी चारों लेयर्स जो है हम इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं चारों लेयर्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं इसके एजेस को जो है प्रेस कर रही हूँ अपनी फिंगर्स की मदद से। ये अब मैंने इसके सेंटर में बाउल रख दिया और अब मैं इसको क्लॉकवाइज सारा काट लूँगी। आप मेरी कटिंग देख सकते हैं। आपकी नाइफ़ को यहाँ पे शार्प होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चारों लेयर्स जो हैं वो एक ही वक्त में अच्छे तरीके से कट जाएं। सबसे पहले मैंने इसको क्लॉकवाइज काट लिया यानी कि 12 to 6 और 9 to 3। ये आप देख सकते हैं। अब मैं उनको क्वार्टर में काटूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और आइडियाज़ अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। अब मैं उन जो क्वार्टर हैं उनको सेंटर में से काट लूँगी। आप देख सकते हैं ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको
ट्विस्ट करूंगी, इनके सिंगल सिंगल पीस पकड़ के उनको ट्विस्ट करूंगी लेफ्ट को राइट की तरफ और राइट को लेफ्ट की तरफ, और दो दो दफ़ा ट्विस्ट करूंगी, ये आप देख सकते हैं, और उनके जो एजेस हैं उनको आपस में पिंच कर दूंगी। इस ब्रेड को बनाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, आप देख सकते हैं। ये खाने में भी उतनी ही मज़े की लगती है, और आप इसको अपने ब्रंच में, ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने अब तमाम तर एजेस जो हैं वो प्रेस कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपके किचन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा वार्म है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि आपकी डो सेट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको देख सकते हैं आप, मैंने कितने अच्छे तरीके से ट्विस्ट किया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए किचन टॉवल के साथ बिल्कुल कवर करके रख दूंगी ताकि ये अपने साइज से डबल हो जाए, और फिर मैं इसके ऊपर एग वॉश करूंगी। आप देख सकते हैं एक अंडा लेके मैंने उसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, और अब मैं ब्रश के साथ उसके ऊपर सारा अंडा लगा दूंगी ताकि हमारी ब्रेड के ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आए। अगर आप अंडा स्किप करना चाहते हैं तो आप अंडे की जगह दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रीम का। अब मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया 20 से 25 मिनट के लिए ऑन 250 डिग्रीज। आफ्टर 25 मिनट्स आप देख सकते हैं मेरी ब्रेड बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी है। या मैं इसके ऊपर पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी सॉफ्ट हैं और ये कितनी फ्लफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सी यू नेक्स्ट मंथ, अंटिल टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।